नमस्ते बानो, आज हम तोरण बनाने जा रहे हैं। तोरण बनाएंगे तोतिया ग्रीन और मरहून कलर का। इसमें कैमरे में थोड़ा रेड आ रहा है, मगर यह है मरहून कलर का। क्रोशिया नंबर है 1.50 mm। जो बहने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे हम कोई से भी वीडियो डालेंगे आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाएगी। ये हमने तोरण की पट्टी पहले से बना के रखी है, देखिए 3 फीट की हमारी तोरण की पट्टी है ये। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। जो बहने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं या अपना कुछ भी उस पर शेयर करना चाहते हैं, वो हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी है बबली पांडे क्राफ्ट एंड क्रिएशन। देखिए यहाँ हम पहले हाफ गेट का हम तोरण बनाएंगे, लॉन्ग तोरण हमारा ये रहेगा। एक हमने तोरण बनाया था, उस पर कमेंट आया था, मैम अच्छे से फिर से इसको समझाइए। वो हमने ट्रायंगल वाला बनाया था, ये हम हाफ गेट का बना रहे हैं। सेम वैसे बनाएंगे, जिससे आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। एक बार हम और अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए उल है 4-ply का, ज़्यादातर हम 4-ply का ही यूज करते हैं। देखिए यहाँ पे हम बनाना शुरू कर रहे हैं। एक इस साइड निकाल लेंगे फंदे, जिससे निकलते नहीं हैं। एक दो तीन, डबल क्रोशिया करके इसी में हम बनाएंगे फंदे। 2 फंदे हमारे हो गए, एक चैन का एक हमने बनाया था, एक 3 हो गया, 4, 5, 6। देखिए इस साइड हमने इसीलिए बॉर्डर नहीं बनाया था, क्योंकि हमको मरून कलर का ही बनाना था। 1, 2, 3, 4 डबल क्रोशिया कर रहे हैं। देखिए 1, 2, 3 ये चौथे वाले पे बना रहे हैं। दो तीन चार पाँच छः हमने बना लिया। अगर आप लोगों को ये थोड़ा सा भी टाइट होगा तो 1 या 2 फंदा और एक्स्ट्रा कर देंगे, थोड़ा मुड़ा रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ऐसे ही हम पूरा ये तोरण की पट्टी में पहले पूरा ये पैटर्न हम बना ले रहे हैं। हम अभी आधा नहीं कर रहे हैं, अभी हम सभी में बनाएंगे। एक चैनल हमारा और है बबली की लाइफ, प्लीज़ आप लोग भी उस चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी हम इसको हम बना के आपको दिखा रहे हैं। बबली की लाइफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। देखिए हमने बना लिया पूरा, हमारी पट्टी में डिज़ाइन हमने बना लिया है। इतना अच्छे से समझ में आ गया। अब देखिए कितने पैटर्न बैठे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 24 यहाँ पे पैटर्न हमने बैठा लिया है। अब 12 हम एक साइड बनाएंगे, 12 एक साइड। अब चलिए 12 बनाना शुरू कर रहे हैं। इतना आप लोगों को समझ में आ गया। अब ये तोतिया ग्रीन का भी यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए ग्रीन कलर हम यहाँ पे लगा दे रहे हैं। ये जो हमने बनाया था यहाँ पे 6 फंदे बनाए हैं फर्स्ट वाले फंदे से, देखिए इसे हम बांध ले रहे हैं। इसे टाइट कर लेंगे, थोड़ा सा फंदा हम आगे बढ़ा लिए हैं। 2 हो गया,
3 4 चार फंदे की हम मोती बना रहे हैं, एक चैन ले लेंगे, फिर अब दूसरे वाले लूप में बना रहे हैं 1 2 3 4 फिर एक चैन, 1 2 3 4 फिर एक हम चैन ले लिए, फिर दूसरे वाले में बना रहे हैं 1 चैन लिए, फिर ये अभी लास्ट है, एक दो 3 चैन हमने लिया। देखिए एक फ्लावर में ये बैठ गया हमारा, 3 चैन लिए हैं। अब ये वाले पैटर्न में फर्स्ट वाले में बना रहे हैं, देखिए 1 चैन हमने ले लिया, चैन लेके आगे बनाना ही है। मोती हम 4 फंदे की बना रहे हैं। आप लोगों को अगर इससे थोड़ी सी और मोटी चाहिए आप बना सकते हो, मगर ये परफेक्ट है हमारे हिसाब से। बहुत बहनें कहती हैं हमारे में झोल आता है, अच्छे से बैठ नहीं रहा है। जैसे हम बना रहे हैं आप एक पैटर्न पूरा देख के आप उसको बना सकते हो, फिर उसके बाद आगे देख के बना सकते हो। ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप आप लोग बनाओगे तो कभी झोल नहीं आएगा। 1 2 3 अब देखिए हमने 2 में बना लिया, ऐसे ही हम 12 में बनाएंगे। अभी 2 बना लिए हैं, 10 और बना के आपको दिखा रहे हैं। ये 12 पैटर्न पे हमने पूरा बैठा लिया है। अगर आप लोगों को ज़्यादा नज़दीक दिख रहा है ये तो हम बना लेंगे, क्योंकि ये 4 4 फंदे पे हमने इसको फ्लावर का ये पहला पैटर्न बोड़ा था। आप लोगों को अगर ज़्यादा नज़दीक दिख रहा है या तो आप लोगों का सही से नहीं बैठेगा, आप 5 भी कर सकते हो। अब देखिए एक पैटर्न हमने बना लिया, अब इसे हम उल्टा कर ले रहे हैं। 1 चैन हमने ले लिया था, एक चैन ले लिया, अब इसे उल्टा कर लिया। अब इस वाले में हम सिंगल क्रोशिया ऐसे निकाल लेंगे, इतना फंदा बढ़ा दिए हैं। अब इसमें मोतियां बनाएंगे हम, एक चैन लेना है और फिर दूसरे वाले में बनाएंगे, फिर एक चैन लेनी है, फिर इसमें बनानी है दूसरे वाले में, फिर एक चैन लेना है। अब हमारी 4 मोतियां बैठेंगी इस पे, एक दो तीन, देखिए 4 कर दे रहे हैं। अब हम इसमें बनाएंगे दूसरे वाले पैटर्न में, एक चैन लेना है, फिर दूसरे वाले में,
ऐसे ही हमें पूरा लाइन ये कंप्लीट करनी है। अभी मैं कंप्लीट करके दिखाती हूँ। देखिए ये मोती वाला दो लाइन हमने बना लिया है, ये लास्ट यहाँ पे हो गया। अब जैसे हमने इधर वापसी किए थे, टर्न किए थे, एक चैन लेके इसमें हम सिंगल क्रोशिया करके फिर मोती बनाना शुरू करेंगे। पहले में पांच था, फिर उसके बाद दूसरे लाइन में चार आया, अब देखिए अब तीन आ जाएगा। एक चैन लेना है, फिर दूसरे वाले में बनानी है। ऐसे करते करते हमारा लास्ट जब ये पैटर्न कंप्लीट होगा तो एक पे लास्ट में एक आ जाएगा। ये तोरण बहुत अच्छा लगता है, ट्रायंगल वाला भी बहुत अच्छा से एकदम पैटर्न इसका बैठता है। ये हाफ गेट का भी बना रहे हैं, इसका भी बहुत अच्छे से बैठेगा। देखिए ये हो गया, इसमें हमने चार चैन लिया था, अब एक दो तीन चार, अब पांच चैन लेंगे, अब फिर दूसरे वाले में बनाएंगे। एक चैन लेके दूसरे वाले में बनाएंगे, ऐसे ही हम पूरा ये लाइन कंप्लीट करेंगे। अब इसके बाद हम जब हमारा पैटर्न आएगा, इसमें हमारा तीन आया, अगले राउंड में दो आएगा, फिर लास्ट में एक आएगा। जब एक आएगा तो उसको हम बना के आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये लास्ट अब आ गया है, अब एक एक मोती बनेगी इस लाइन में। हम देखिए इसमें पाँच करे थे, फिर उसके बाद छः, इसमें पाँच था, इसमें छः था, अब यहाँ पे हम सात किए थे, थोड़ा सा बंद किया रहा था तो आठ चैन लिए हैं। अब इसे उल्टा कर लिए हैं, एक चैन और एक्स्ट्रा लेके ले लिए हैं हम। अब बीच वाले में ले आके सिंगल क्रोशिया ऐसे निकाल लेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, दो तीन चार, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ एक नौ, डबल क्रोशिया करके फिनिश वाले बनाएंगे। देखिए एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ, टाइट टाइट चैन लेनी है, एक दो तीन चार, देखिए ऐसे ही मैं पूरा लाइन ये हम कंप्लीट कर लेंगे, फिर उसके आगे हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए लाइन हमने बना के कंप्लीट कर लिया, एक एक मोती सभी पे बैठ गया है। एक दो चैन और एक्स्ट्रा लेके इसको हम तोड़ देंगे या तो काट लेंगे, टाइट कर लिए हैं। अब देखिए हमें हाफ गेट का बनाना है, तो यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं। और इस साइड आप देखिए तो ये वाला हम स्किप करेंगे। चलिए हम अब यहाँ पे मरून कलर लगा ले रहे हैं। साइड हमें पैटर्न बनानी है सेम जैसे हमने ये पैटर्न बनाया था, वैसे सेम ये बनाएंगे। ये मोती के ऊपर हम बैठा ले रहे हैं, एक चैन दो तीन एक चार चैन है इसमें हम ले लिया है। डबल क्रोशिया दूसरा फंदा बन गया, तीसरा चौथा पांचवा छठा। देखिए हम इस पैटर्न के ऊपर छठ बैठा दिए हैं क्योंकि ये हमारा लास्ट तक जाएगा और इस साइड का हमारा
एक स्किप हो जाएगा, एक पे हम नहीं बनाएंगे, यहीं तक हम ये बनाएंगे फंदे। एक दो तीन चार पाँच छः, छः हमने बनाया है, चैन लिया है, अब इस वाले बना रहे हैं। देखिए छः फंदे हमारे इसमें मरून वाले बनाए, दो फंदे डबल क्रोशिया, तीन चार पाँच छः। अच्छे से हम स्टेप बाय स्टेप समझा रहे हैं आपको, जिससे आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। अगर चैन देखना है, थोड़ा सा लूज है ना, लूज चल जाएगा मगर टाइट बिल्कुल नहीं चलेगा। टाइट अगर होता है तो ये सुखड़ जाता है। अब ऐसे जैसे हमने ये बनाया हुआ है, इसके ऊपर ये पैटर्न, फिर पांच मोतियाँ बैठी हैं, अब यही पूरा पैटर्न आएगा। ऐसे ही हम पहले पूरा एक बना ले रहे हैं, फिर आपको दिखा रहे हैं कहाँ से कहाँ तक हम ये वाला पैटर्न मरून कलर का बनाए हैं। देखिए हमने पूरा पैटर्न बना के कंप्लीट कर लिया। अब हमारा पैटर्न कितने आए, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह, ये वाला बारह था, अब एक हम स्किप किए, अब ग्यारह हमारे पैटर्न आ गए हैं। सेम ऐसे ही फ्लावर के ऊपर अब ऐसे सेम बनता चला जाएगा। अब इसमें हम बनाना बता रहे हैं आपको, पहले वाले लूप में फंदे के देखिए, इसे हम ग्रीन कलर का लगा ले रहे हैं। हम एक चैन दो तीन चैन कर लिए हैं, एक चैन का एक इसका, चार फंदे का हो गया। एक हमको चैन लेनी है और फिर ये दूसरे वाले लूप में बनानी है। चैन ले लिए, फिर अब तीसरे वाले लूप में एक चैन लेके, फिर चौथे वाले लूप में एक चैन लेके, फिर अब पांचवे में देखिए बन गया। एक दो तीन, तीन हम चैन लिए हैं, एक चार चैन कर दे रहे हैं। आप लोग अपने हिसाब से देख लेना, चार चैन हुआ जैसे बराबर आ गया तो ठीक है, नहीं तो एक चैन और ले लेना। थोड़ा लूज रहेगा तो चल जाएगा तोरण में, मगर जब टाइट होता है तब अच्छे से नहीं बैठता है ये। देखिए अब ऐसे ही हम पूरा लाइन बना के कंप्लीट कर लेंगे। जैसे हमारा ये पैटर्न आया है, ये सब ऊपर वाले एकदम सेम नीचे वाले आएंगे। फिर ये लाइन हम बना के जब कंप्लीट करेंगे, फिर एक यहाँ पे एक स्किप हो जाएगा। ऐसे स्किप करते करते लास्ट में हमारा जब एक बचेगा, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। एकदम ऐसे ही सेम इसी पर्पज से बनते चला जाएगा। देखिए हमने इतना बना लिया, देखिए एक दो तीन चार, ये पांचवा हम बना रहे थे। अब देखिए हाफ गेट तोरण हमारा ये पूरा ऐसे ही एक घटते घटते लास्ट तक आके सिर्फ एक बचेगा, फिर ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। हमारे पास एकदम सेम नहीं है कलर, और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। मुझे लगा कि सेम कलर की हमारे पास तीन चार लिच्छी पड़े हुए हैं, जैसे ए लिच्छी ए है, ये 54 ग्राम की लिच्छी होती है, तब वो मैं इसमें लगाने लगी तो थोड़ा सा डिफरेंस दिख रहा था, तब मैं उसे खोल दी। और इसके आगे मेरे पास अभी ऊन नहीं है, जब ऊन आएगा मैं ले आऊँगी। अभी जहाँ मार्केट में ऊन लेती थी, जहाँ से परचेज करती थी, वहाँ पे वो मार्केट अभी खुली नहीं है, वो दुकान बंद थी, इसलिए हम इसके आगे नहीं बना पाए। और जैसे हमने दिखाया है सेम ऐसे पर्पज से स्टेप बाय स्टेप बनता चला जाएगा। इसमें तीन लिच्छी लगेंगी ग्रीन की, तीन लिच्छी क्या, अढ़ाई लिच्छी लगेगी
अढ़ाई लीची लगेगी, आधा लीची मान लो ये मरून ये कलर जो है ये वाली लगेगी, और ये आधी लीची और ये झलरिया में चली जाएंगी। इसमें समझ लो टोटल 4 लीची लग जाएंगी ऊन, और थोड़ा बहुत बचेगा। आप लोग जब ये बनाना तोरण, ये तोरण बहुत सुंदर लगता है, दुल्हन तोरण की तरह लॉन्ग खूब जाता है। मेरे पास पूरा ऊन नहीं था इसके लिए, सॉरी, थोड़ा सा डिफरेंस नहीं हुआ होता तो मैं इसको पूरा बना के आप लोगों को दिखाती हूँ। देखिए कितना प्यारा पैटर्न आया है। चलो जो है इसमें हम झलरियाँ लगा के आप लोगों को दिखा रहे हैं। अब हम प्रॉपर ऊन इसके लिए लाएँगे, फिर उसके बाद हम इसका पूरा थंबनेल अच्छे से दिखाएँगे आप लोगों को। देखिए ये कैप हमने ले लिया है, अब ग्रीन कलर के मोती ले लिया है। अब यहाँ पे हम इसकी झलरी बनाना बता रहे हैं आप लोगों को। झलरी हम इसमें स्टेप बाय स्टेप एक ही कलर का लगाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126,
दो तीन, तीन बार ऐसे हमने फोल्ड किया, इसको बांध रहे हैं, एक बार और बांध देंगे, फिर इसके आगे हम कैंची से काट दे, इसको काट दे रहे हैं। अब झलरी को ये भी इसके बीचों बीच से काट देंगे। देखिए इसको आप थोड़ा सा छोटा भी करना चाहते हो, बड़ा छोटा रहे, इसमें तो है नहीं। ये हम बना लिए झलरी, अब इसको हम लगाएंगे यहाँ पे। अब देखिए हम धागा में सुई डाल लिए हैं, गट्टी लगा के इसे ऐसे करेंगे, ये बीचों बीच हो गया। अब हम कैप डाल देंगे। आप लोगों के पास ग्रीन कलर का होगा तो ग्रीन कलर का भी लगा लेना। ग्रीन कलर की हम मोती इसमें डाल दिए हैं। अब यहाँ पे अब इसे हम टांक लेंगे। देखिए हम यहीं से इसे ऐसे करके इसको हम यहाँ से निकाल ले रहे हैं। हम आराम से काट दिए इसे। देखिए ये हमारा एक झलरी बन के तैयार हो गया। ऐसे स्टेप बाय स्टेप जितना आप लोगों को जितने पैटर्न आए होंगे उसमें लगा लेना और ये हाफ गेट तोरण बन के तैयार हो जाएगा। अगर ये हाफ गेट तोरण आप लोगों को पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, अपने फैमिली फ्रेंडों के साथ शेयर करना। मिलती हुई एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्ते।